नागपुर जिला परिषद की 16 और पंचायत समिति की 31 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में जिला परिषद के लिए 79 व पंचायत समिति के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में हैं। रविवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही अब सोमवार को सभी दलों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता गुप्त बैठकों के माध्यम से प्रचार करेंगे। सोमवार की रात प्रत्याशियों के लिए कत्ल की रात मानी जाने से पुलिस प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों ने भी किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए कमर कस ली है। इस चुनाव में 2,96,721 महिला मतदाता और 3,19,292 पुरुष मतदाता सहित कुल 6,16,016 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 115 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके बाद बुधवार 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। उपचुनाव के लिए विभागीय आयुक्त ने जिला परिषद भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून की नियुक्ति चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में की है। इस बीच रविवार को प्रचार का अंतिम दिन होने से सभी उम्मीदवारों ने सुबह से ही प्रचार की शुरुआत कर दी थी। वहीं बारिश से भी राहत मिलने के कारण प्रचार के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया। सुबह से ही रैलियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू था और रात को गुप्त बैठकों का आयोजन कर मतदाताओं से संपर्क साधा गया।